नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रंगों के त्योहार होली के बारे में। कैसे मनाते हैं इस भारतीय पर्व को और क्या है इसको मनाने की मुख्य मान्यताएं। रंगों का त्योहार होली सभी के घर में खुशियां लेकर आता है। यही वजह है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि होली मनाने के पीछे क्या कारण है। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्यौहार है। लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में यह त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 2019 में यह त्यौहार 20 मार्च बुधवार के दिन होलिका दहन और 21 मार्च गुरुवार के दिन होली फाल्गुन पूर्णिमा व्रत को मनाया जाएगा। भक्त प्रहलाद से जुड़ी एक कथा के अनुसार तभी से होली का त्यौहार आरम्भ हुआ था। प्रहलाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। राक्षस प्रवृत्ति वाला हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर बहुत परेशान था। उसने प्रहलाद का ध्यान ईश्वर से हटाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का फैसला किया। उसने इसके लिए अपनी बहन होलिका से आग्रह किया। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान में एक शॉल दी थी, जिसे पहनने से वो कभी भी आग में नहीं जलेगी। इस वरदान को पाने वाली होलिका ने सोचा कि वह प्रहलाद को आग में लेके जाएगी और खुद शॉल ओढ़ लेगी। इस तरह प्रहलाद की जलने से मृत्यु हो जाएगी, जबकि शॉल उसकी रक्षा कर लेगा। परंतु शायद ये उस भगवान को मंजूर नहीं था, जिससे भगवान विष्णु ने हवा का एक ऐसा झोंका चलाया कि शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका का दहन हो गया। इसी तरह सभी ने अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक स्वरूप मिठाइयां बांटी और होली के त्योहार की शुरुआत हुई। होली के दिन किले सुखे भुलाकर सभी एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां खिलाकर यह त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार किसानों की रबी फसल के तैयार होने के कारण भी मनाया जाता है। होली को मनाने का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाना, प्रेम और भाईचारे के साथ रहना है। जीवन के अनेक रंगों से परिचित कराती होली गर्मी की शुरुआती दिनों में आती है। जीवन की अनेक कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने में ही होली का महत्व है। अगर हम सही हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं और हमारी सहायता करते हैं, जैसा कि उन्होंने भक्त प्रहलाद की मदद की थी। रंगों का त्यौहार होली उपयोग केवल खुशी के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसे उसी उद्देश्य से मनाया जाता है।